रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कड़ी कोफ्ता। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच बड़ी ऑयल की डालेंगे, साथ में इसके 1 अदद प्याज दरमियानी साइज़ का काट के इसके अंदर डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक भी हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। हरा धनिया और खुश्क गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, साथ में 1 अदद टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तब तक हम पकौड़ों का मसाला, कोफ्तों का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमने काट के एक प्लेट में रखी हैं, बंद गोभी थोड़ी सी, मेथी और पालक बॉईल की हुई हमने वो भी ऐड की है इसमें, साथ में 1 अदद टमाटर, हरी मिर्चें, हरा प्याज, लहसुन। इन सब चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे, तकरीबन 7 से 8 चम्मच। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें साबुत धनिया तकरीबन 2 चम्मच ऐड करेंगे, नमक 1 बड़ी चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 बड़ी चम्मच, हल्दी 1 चम्मच। अब इन मसालों को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके गूंद लेंगे। साथ में हमारा कड़ी मसाला तैयार हो रहा है। कोफ्ते भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम लस्सी ऐड करेंगे। बॉयल आने तक हम मुसलसल चम्मच हिलाएंगे। कड़ी कोफ्ता रेसिपी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखें। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम कोफ्ता इसमें ऐड करेंगे। पालक, मेथी और बंद गोभी और हरे प्याज के कोफ्ते माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हल्की आंच रखनी है ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएं। कड़ी में हमारा बॉयल शुरू हो गया। अब आंच हम हल्की कर देंगे। कोफ्तों की एक साइड गोल्डन हो चुकी है, अब हमने इनकी साइड चेंज की है।
कढ़ी हमारी माशाल्लाह से तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और कोफ्ते भी माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं। कढ़ी माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है। अब इन सब कोफ्तों को हम कढ़ी में ऐड करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।